हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देवकर व्लॉग्स। और आज है लोहड़ी। आप सभी को मेरी तरफ से, मम्मा की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। हम जा रहे हैं लोहड़ी का सामान लेने, मुफली गच्चक वगैरह जो जिससे हम मत्था टेकते हैं वो सामान लेने। और हम जा रहे हैं शॉपिंग क्या, थोड़ा सा सामान लेने। घर से बाहर दुकान पर गए, थोड़ी भीड़ थी पर हमें देर हो ही गई भीड़ को सामान खरीदते खरीदते। हमने थोड़ा सा सामान लिया जो लोहड़ी का मेन मेन सामान होता है, घर का थोड़ा सा राशन लिया। और फिर हमने क्या कराई, बिलिंग कराई। और अब मैं अपने आप को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे, क्योंकि मैं मिनी व्लॉग मैं ही बना रही हूँ, कोई और नहीं बना रहा। मैं एक्टिंग करती हूँ कि मेरे 5 रुपये काट देना। मूंगफली ली हमने दुकान से, क्योंकि वहाँ पे जो मूंगफली दे रहा था अंकल वो बहुत ही घटिया थी। घटिया भी नहीं थी अंकल, कहीं देख के वो लोग मेरा बोले अरे लड़की हमारी दुकान से सामान लेके जाती है। फिर हम घर आ गए, हमने सारा सामान ले लिया और हम घर आए। फिर हमने घर अरे चल थोड़ी सी लकड़ी काटते हैं रात को लोहड़ी जलाने के लिए। फिर मैं गई छत पे, मम्मी से पूछा मम्मी बताओ क्या काम है। मम्मी बोले पहले टोपी डालो, ठंड हो रही है ऊपर। फिर हम मम्मा ने मेरे टोपी डाली, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना। फिर हमने अपनी थोड़ी सी छत दिखाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं डाले थे क्योंकि हमारा घर बन रहा था। फिर थोड़ी सी मम्मी बोल रही कि ऊपर ब्लॉग बनाने आई है क्या, जो काम करना वो तो कर ले। फिर मैंने लकड़ी का, मम्मी लकड़ी लेकर आए, पहले मम्मी ने ट्राई किया थोड़ा सा कट ही जाए, पर वो इतना सांड था कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हमने भी ट्राई किया, हमारी बारी पर भी नहीं फटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुत हार्ड था। और उसकी वजह से क्या, मेरे हाथ पे भी हथौड़ी लग गई, मेरे हाथ पर चोट लग गई। चलो कोई बात नहीं, चोट तो लगती रहती है, चोट लगने से तो बड़े होते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर हमने भी करवाई पट्टी गर्म पर अपनी बहन से।